गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर EVS बुक, दैट्स नेम इज फैमिली ट्री. सो आई विल रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन एंड लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. शैल आई स्टार्ट? ओके. वी नो दैट अवर ग्रैंड पेरेंट्स आर अवर पेरेंट्स पेरेंट्स. हम जानते हैं इस बात को कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब दादा दादी होते हैं, आर अवर पेरेंट्स पेरेंट्स. वो कौन होते हैं? वो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं. जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे मम्मी पापा हैं, और हमारे मम्मी पापा के पेरेंट्स कौन हैं? हमारे दादा दादी हैं. अवर मदर्स पेरेंट्स आर अवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. अच्छा, एक बात और है, हमारे पेरेंट्स दो हैं, है ना, एक मम्मी है और एक पापा है. तो मम्मी के पेरेंट्स अलग होते हैं और पापा के पेरेंट्स अलग होते हैं. तो हम जिस फैमिली में रहते हैं वो पापा की फैमिली होती है, मतलब पापा के पेरेंट्स के साथ वाली फैमिली में रहते हैं हम. तो जो पापा के पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, और जो मम्मी के पेरेंट्स होते हैं जिन्हें हम नाना नानी बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक, उस वर्ड को. And our father's parents are our paternal grandparents. अच्छा, जो हमारे फादर के पेरेंट्स हैं, मतलब जो हमारे दादा दादी हैं, उन्हें हम बोलते हैं paternal grandparents. तो in totality concept जो है वो यहाँ पे ये है कि जो हमारे पापा की तरफ के रिश्तेदार हैं वो हमारे paternal रिश्तेदार हैं या paternal relatives हैं, और जो हमारी मम्मी की तरफ के रिश्तेदार हैं वो हमारे maternal grandparents हैं या maternal relatives. ओके, तो पैटर्नल मतलब पापा से रिलेटेड, और मैटर्नल मतलब मम्मी से रिलेटेड. तो हमारे दो तरह से ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एक दादा दादी या अम्मा बाबा, और दूसरे नाना नानी. मोस्ट कॉमन हम दादा दादी के साथ रहते हैं, नाना नानी भी हमारे आसपास ही रहते हैं, बट हम उनके साथ नहीं रहते, उनसे हम मिलने जाते हैं. चाहे तो हम गर्मियों की छुट्टी में मिलने जाते हैं, या फिर हम संडे संडे मिलने जाते हैं अगर पास में रहते हैं तो. तो इस तरह से पूरी लाइन को हम एक बार फिर से समझते हैं. जो हमारे मम्मी पापा होते हैं उनके मम्मी पापा को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं. अब हमारे मम्मी के जो पापा मम्मी होते हैं उन्हें हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, और जो हमारे पापा के पापा मम्मी होते हैं उन्हें हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं. तो इतनी बात आपको समझ में आती है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Ask your grandmother or grandfather the names of your father's grandparents. अच्छा, अब इसके एक और स्टेप हमें ऊपर जाना है. हम अपनी दादी के पास जाएंगे या फिर हम अपनी दादू के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आप हमें पापा के ग्रैंड पेरेंट्स का नाम बताओ. पापा के ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, तो पापा के भी तो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे. तो आप पूछिए उनसे कि पापा के ग्रैंड पेरेंट्स कौन हैं, आप हमें उनके बारे में बताओ. दे आर योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. तो ग्रैंड पेरेंट्स तो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं ही. अब ग्रैंड पेरेंट्स से भी अगर आप ऊपर जाएं, ठीक, तो वो हैं आपके पापा के ग्रैंड पेरेंट्स. तो आपके कौन हुए वो? आपके हुए वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. और पापा की तरफ के पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और मम्मी की तरफ के मैटरनल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. तो बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसको हम जरा एक ट्री से समझते हैं. चलिए इसको देखते हैं हम, है ना, क्या बना हुआ है आपके सामने. कुछ बेबी टॉयज बने हुए हैं. कौन है, उनमें क्या रिलेशन है, देखते हैं. ये देखिए, ये है आप. ठीक है, आपसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये है आपके पापा और ये है आपकी मम्मी. ओके, ये आप हैं, ये आपके पापा हैं और ये आपकी मम्मी हैं. उसके और ऊपर जाते हैं तो ये आपके दादा हैं और ये आपकी दादी हैं, ये आपके ग्रैंडफादर हैं और ये आपकी ग्रैंडमदर हैं. अब आप उसके भी ऊपर जाइए तो ये कौन है? ये आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं. और ये कौन है? ये आपकी ग्रेट ग्रैंडमदर हैं. ठीक है, ये आपका रिलेशन है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से. ओके, अब यहाँ से आते हैं. ये कौन है? ये आपके पापा हैं. तो पापा के ये कौन है? ये पापा के पापा हैं. ठीक है,
और पापा के ये कौन हैं? ये पापा के ग्रैंडफादर हैं। ये कौन है? ये पापा की मदर है। एंड हु इज शी? ये पापा की दादी है, मतलब ग्रैंड मदर है। यहां से आते हैं, आपके कौन है? ये आपके दादाजी हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं। तो ये कौन है? ये ग्रैंडफादर के पापा हैं, है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको पापा मिलेंगे। आपके पापा ये हैं, पापा के पापा ये हैं, और इनके पापा ये हैं, ठीक। और आप दो स्टेप ऊपर जाओगे तो आपको दादाजी मिलेंगे। वन स्टेप पर पापा मिलते हैं और सेकंड स्टेप पर दादाजी मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वन स्टेप, और ये है आपका सेकंड स्टेप, और ये है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे कौन मिलते हैं? ग्रेट ग्रैंडफादर, बड़े दादा और बड़ी दादी मिलती हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे पापा, सेकंड स्टेप पर दादाजी, और थर्ड स्टेप पर बड़े दादाजी। इंग्लिश में पापा आपके ग्रैंडफादर और आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। पापा की तरफ से हमने बनाया है तो ये हो गए आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर, और ये हैं आपके पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर। मदर की तरफ से बनाएंगे तो उसमें आपकी कौन हो जाएंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर। आपको अब समझ में आया? चलिए चैप्टर पर कंटिन्यू आते हैं। अ फैमिली ट्री इज अ डायग्राम, इसको हम स्पेलिंग को क्या पढ़ते हैं? DIAGRAM, दैट इज डायग्राम। तो अ फैमिली ट्री इज अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप्स बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में कितने पर्सन्स रहते हैं? सो मैनी पर्सन्स ना। तो एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, और कमाल की बात क्या है कि उन सब में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है ना। फैमिली में अगर 10 भी लोग रहते हैं तो उन 10 लोगों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। विदाउट रिलेशन कोई फैमिली नहीं होती है। तो अगर हम उन सारे लोगों के रिलेशंस को बताते हुए एक डायग्राम बनाएं, जैसे अभी हमने बनाया था ना कि आप बनाए थे, फिर आपका रिलेशन ऊपर वाले स्टेप से बताया था कि वो आपके पापा हैं, फिर सेकंड स्टेप से बताया था वो आपके दादाजी हैं, फिर थर्ड स्टेप से बताया था वो आपके बड़े दादाजी हैं, ऐसे सभी में आपस में कोई ना कोई रिलेशन था। तो इस तरह से हम सभी फैमिली मेंबर्स के रिलेशन को शो करता हुआ अगर कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फैमिली ट्री कहते हैं। और ये बहुत स्टार्टिंग की क्लास से ही बच्चे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चे पहली बार अपनी लाइफ में ईवीएस पढ़ते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट उनको यही सिखाया जाता है कि व्हाट इज फैमिली ट्री। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो सिंपल फैमिली ट्री बनाते हैं, बट नाउ आप बड़े हो चुके हो तो आप अगर फैमिली ट्री बनाते हो तो आपकी फैमिली ट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए और खूबसूरत भी होनी चाहिए। ओके, यू कैन सी द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द फैमिली ट्री। ठीक है, जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो उसमें हम अपने फैमिली के सारे मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करवाएंगे और उनके नाम भी लिखेंगे कि ये कौन है और आपस में उनका रिलेशन क्या है, हम ये भी बनाएंगे। तो दिस इज योर होमवर्क। आप एक फैमिली ट्री बनाइए, भले ही आप किसी की फोटो मत लगाइए, बट आप फैमिली ट्री बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए लुक द पिक्चर गिवन हियर, हम देख लेते हैं। ये हमारे सामने एक पिक्चर है। इट शोज व्हाट अ लार्ज फैमिली लुक्स लाइक। अच्छा, ये पिक्चर हमें क्या बताती है? ये पिक्चर हमको ये बताती है कि एक बड़ी फैमिली क्या होती है। देखो, दो तरह की फैमिली होती है, एक छोटी फैमिली होती है और एक बड़ी फैमिली होती है। तो छोटी फैमिली में सिर्फ 4 लोग रहते हैं मुश्किल से, मम्मी पापा और बच्चे, ठीक है। और बड़ी फैमिली में क्या होता है? बड़ी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये जो है वो एक बड़ी फैमिली है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं। द ओल्ड लेडी सिटिंग ऑन द सोफा इज द ग्रैंड मदर ऑफ द लिटिल बॉय वंश हु इज सिटिंग नियर हर। देखिए, इसमें ओल्ड लेडी कौन सी हैं? जिनके बाल सफेद हो चुके हैं और चश्मा लगाए हुए हैं, वही ओल्ड लेडी है ना। ये है आपकी ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी के पास में एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है? वंश, ठीक है। तो ये जो ओल्ड लेडी है, ये वंश की कौन है? ये वंश की आपको क्या लगता है कौन है? ग्रैंड मदर है, ये वंश की दादी है। द मैन एंड वुमेन स्टैंडिंग बिहाइंड हिज ग्रैंड फादर आर वंश पेरेंट्स। अच्छा, ये जो बैठे हुए हैं दादाजी हैं वो वंश के। तो ये हो गई दादी और ये हो गए उनके दादाजी। अब दादाजी के पीछे ये दोनों जो खड़े हुए हैं, ये वंश के कौन है?
मम्मी और पापा मतलब पेरेंट्स, ये मम्मी है और ये पापा है। अच्छा, अब हिज अंकल एंट्स एंड कजिन आर ऑल्सो सीन इन द पिक्चर। अब यहाँ जो बैठे हुए हैं ये इसके अंकल है मतलब चाचा है, और यहाँ जो खड़ी हुई है ये इसकी आंट है मतलब चाची है, और ये उनके कजिन्स है मतलब इनके बच्चे हैं, और आपके कजिन है और ये आपकी सिस्टर है। वंश हैज एन एल्डर सिस्टर हु इज स्टैंडिंग नियर हर ग्रैंडफादर। तो ये एल्डर सिस्टर है मतलब बड़ी बहन है, और ये छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके छोटे भाई बहन हैं, कजिन है। ठीक है, तो देखिए ये आपका रिश्ता है बाकी सबसे, जैसे ये आपकी दादी है, ये दादा है, ये बहन है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, ये चाची है, आपका रिलेशन है। सबका रिलेशन तो नहीं है ना ये सबसे, है ना? देखो जैसे अगर मैं बात करूं कि पापा का रिलेशन सबसे क्या है, तो हम देखते हैं पापा का रिलेशन क्या है। देखिए पापा की ये कौन है, वाइफ है, बदला ना रिलेशन। आपकी कौन है, मदर है। पापा की कौन है, वाइफ है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये आपकी कौन है, सिस्टर है। पापा की कौन है, डॉटर है। अच्छा, अब ये आपकी कौन है, ये आपकी ग्रैंडफादर है। और पापा के कौन है, पापा के फादर हैं। ये आपकी कौन है, ग्रैंड मदर है। और पापा की कौन है, पापा की मदर है। अच्छा, ये कौन है, आपके अंकल हैं। और पापा के कौन है, ब्रदर हैं। ये कौन है, आपकी एंट है। पापा की कौन है, सिस्टर हैं। अच्छा, ये कौन है, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है। और पापा के लिए कौन है, पापा के लिए ये उनके भाई के बच्चे हैं। तो इस तरह से हर आदमी का जो रिलेशन होता है फैमिली में वो अलग है। आपका रिलेशन सबसे अलग है, आपके पापा का रिलेशन सबसे अलग है, आपकी मम्मी का रिलेशन सबसे अलग है, और आपके दादा दादी का रिलेशन सबसे अलग है। ठीक है, तो आप ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी बन सकती है कि आप अपनी फैमिली में सभी लोगों के नाम लिखिए एक साइड से, ठीक है, और उनके साथ अपना रिलेशन लिखिए और उनके साथ अपने पापा का रिलेशन लिखिए। आपको ऐसा करने में बड़ा मजा आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए आप लोगों को एक ऐसा चार्ट बनाना है जिसको आप अपने पेज को तीन कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए। तो फर्स्ट में आपने लिखना है मेंबर ऑफ फैमिली, सेकंड में उनका आपके साथ रिलेशन मतलब माई रिलेशन, और उसके बाद आप अपने फादर्स का रिलेशन लिखिए। ठीक है, फादर का रिलेशन लिखिए। जैसे मेंबर ऑफ फैमिली में मैंने लिखा है स्वाति गुप्ता। अब मेरे घर में जैसे मान के चला मैंने कि स्वाति गुप्ता जो है वो मेरी मम्मी है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी कि मदर है वो मेरी। कौन है, मदर है। तो स्वाति गुप्ता फादर की कौन है, वाइफ है। तो फादर के साथ उनका रिलेशन क्या है, वाइफ का। तो मेरे साथ उनका रिलेशन है मदर का, और फादर के साथ उनका रिलेशन क्या है, वाइफ का। ठीक है, अब आते हैं लता गुप्ता। लता गुप्ता कौन है, वो मेरी दादी है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, मैं लिखूंगी ग्रैंड मदर। क्या लिखूंगी, ग्रैंड मदर। ठीक, तो पापा की कौन है, लता गुप्ता। पापा की मम्मी है, तो पापा के लिए हम लिखेंगे मदर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप इसे घर पे करिएगा। तो आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं आप उनके सबके नाम यहाँ पर लिखिए, और उनके साथ अपना रिलेशन बताइए और अपने पापा का भी रिलेशन बताइए। तो दिस इज योर होमवर्क। तो आपके दो होमवर्क हो जाते हैं, एक आपको फैमिली ट्री बनाना है और दूसरा आपको इस तरीके की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर पे। आस्क योर मदर हर ग्रैंड पेरेंट्स नेम। अच्छा, आप अपनी मम्मी से पूछिए कि उनके दादा दादी का क्या नाम है। तो आज आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद पूरे घर में घूम घूम के अपने घर के हर एक मेंबर से बात करनी है। अपनी दादी के पास जाइए, दादू के पास जाइए, उनसे उनके परिवार के बारे में पूछिए, बात करिए। मम्मी से पूछिए कि मम्मी आपकी दादी कौन थी, क्या करती थी, कैसी थी वो दिखने में, बात कीजिए। बात करने से ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा और चैप्टर पढ़ने में आपका मन भी ज़्यादा लगेगा। नाउ प्रिपेयर अ सिमिलर फैमिली ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम योर मदर्स ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप दो तरह का फैमिली ट्री बना सकते हैं, एक पापा की फैमिली के लिए और एक मम्मी के फैमिली के लिए, बट फिलहाल अभी आपको पापा की फैमिली वाला बनाना है। तो दे आर योर मैटरनल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो आपके मम्मी के दादा दादी होंगे वो आपके कौन होंगे, वो आपके होंगे मैटरनल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो अभी हमने इस चैप्टर में बस यही सीखा है कि एक मैं हूँ,
मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा के ऊपर मेरे दादा दादी हैं, और दादा दादी के ऊपर मेरे बड़े दादा दादी हैं। पापा की तरफ के लोगों को पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं और मम्मी की तरफ के लोगों को मैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, बाय बाय बच्चों।